सोनभद्र रेहंद बांध राष्ट्रीय धरोहर है, बहुत देसी परियोजना है। इस रेहंद बांध पर कई कारखाने निर्भर हैं अपने आप पर। रेहंद बांध बिजली पैदा करता है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन प्रदेशों केंद्र की बनती है। बचपना की सोच को लिए बच्चों की तरह सोचने वाले लोग राष्ट्रीय धरोहर के आसपास पर्यटक स्थल बनाने की बात करते हैं, जबकि इसकी और सुरक्षा की बात होनी चाहिए। इसकी सुरक्षा सीआईएस के जिम्मे है। रेहंद बांध को चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके सुरक्षित किया जाना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत पर्यटक स्थल बनाकर अराजक तत्वों को आमंत्रित करने जैसी बात की जा रही है। पर्यटक स्थल बने लेकिन उसके लिए कई उचित स्थान है, जैसे पिपरी का शमशान घाट के नीचे से ओबरा तक विश्व की सबसे शानदार और सुंदर पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है, उस पर चर्चा नहीं की जा रही है। रेहंद बांध की सुरक्षा घेरा को बाधित करते हुए डोंडिया नाला के पास पर्यटक स्थल बनाया जाना कहीं से उचित नहीं है। स्थानीय स्तर पर नगर पंचायत पिपरी जिला प्रशासन द्वारा ना जाने किन तर्कों के आधार पर, किन मानक के आधार पर प्रत्येक पर्यटक स्थल का निर्माण कराया जा रहा है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार को मुख्य रूप से रेहंद बांध, जो बहुत देसी परियोजना है, राष्ट्रीय धरोहर है, इसकी सुरक्षा की बात प्रमुखता से करनी चाहिए, जिसकी अनदेखी की जा रही है। पर्यटक स्थल होने की वजह से विभिन्न जगह के विभिन्न तरह के लोग आएंगे, जिसमें सामाजिक और असामाजिक तत्व होंगे, और यह पहचानने में अगर हल्की सी चूक होती है तो इसका नुकसान केवल पिपरी, केवल रेणुकूट, सोनभद्र नहीं, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। पानी स्तर पर, स्थानीय स्तर पर यहाँ के जो सरकारी संस्थाएं हैं, वह अपना कमीशन, ठेकेदारी और धन हित लाभ के लिए इतने बड़े बहुराष्ट्रीय परियोजना, इतने बड़े राष्ट्रीय धरोहर पर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रमुखता से सक्षम अधिकारियों के साथ अगर चर्चा की जाती है, कुछ दिन के लिए नाव को बंद कर दिया जाता है और यह अचानक फिर शुरू हो जाता है। यह बात की जानकारी हम लोग को नहीं हो पाती है कि किसके कहने पर बंद हुआ और किसके कहने पर पुनः चालू हुआ। अगर यहाँ पर कोई बड़ी घटना घटी है तो यह मात्र कुछ चंद्र अधिकारियों को सस्पेंड और टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश को जो राष्ट्रीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। कोषाधिकारी आते हैं, वह बोलते हैं कि यह पर्यटक स्थल की लुच्ची जगह है। कुछ ऐसे अधिकारी आते हैं जो कहते हैं ऊपर से आदेश आया है, इसको बंद कर दिया जाए। उस दिन बाद तूने कुछ लोग आते हैं, वह कहते हैं कि इसको चालू कर दिया जाए। यह पत्र पत्रावली कहां से आ रही है, कहां से जा रही है, इसकी कोई जानकारी स्थानीय स्तर पर जागरूक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नहीं है। यह जानकारी प्राप्त जानकारी होना सामाजिक, राजनीतिक और जागरूक लोगों का हक है। एक तरफ पर्यटक स्थल का जो मापदंड है, उस मापदंड पर भी यह स्थान एकदम खरा नहीं उतरता है। अनेवन अप्रत्याशित गहराई, ऊंचाई यहाँ पर है ना, वोटिंग कराने के अनुकूल स्थिति यहाँ नहीं बनती है। वोट वहाँ चलाया जाता है जहाँ एक समान गहराई का क्षेत्र हो, जबकि इसके उलट यहाँ गहराई का किसी को कोई अंदाजा नहीं है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट।